हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि यह ओलंपिक चैप्टर से पांचवा पार्ट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसी भी स्टेट के TGT, PGT, KVS, NVS, CLT, UGC, NET, राजस्थान PTI एंड DSSB का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस के दिए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। और डेली बेसिस पे जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसका प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो IOA के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। और दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों से, दोराबजी टाटा के प्रयासों से 1927 में IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुआ। और दोस्तों, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शहरों के नाम बताइए जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुका है। तो दोस्तों, इसमें एथेंस, पेरिस, लॉस एंजेलिस, लंदन है, जिसमें से एथेंस जो है 1896 और 2004 में आयोजित हुआ था। एंड पेरिस फ्रांस में आपका 1900 में, और 1900 पेरिस फ्रांस में कब हुआ था, 1900 में, 1924 में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। एंड दोस्तों, लॉस एंजेलिस अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में यानी दो बार आयोजित हुआ है, 1932 लॉस एंजेलिस अमेरिका एंड 1996 अटलांटा अमेरिका। एंड लंदन में दोस्तों 1908, 1948 और 2012, ठीक है, लंदन इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ और कब आयोजित हुए। तो दोस्तों, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 फ्रांस में आयोजित हुए, यानी कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है 1924 फ्रांस के चेमोनिक्स नामक स्थान पर हुआ था। एंड दोस्तों, 2018 का शीतकालीन ओलंपिक प्यांगयांग दक्षिण कोरिया में हुआ था और 2022 में बीजिंग चीन में संपन्न होगा, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश जिसने अभी तक के सभी शीतकालीन ओलंपिकों में भाग लिया है। तो वह है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार किस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया। तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया 1932 लॉस एंजेलिस अमेरिका ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के लिए भारत से पहला निर्णायक कब भेजा गया। तो पहला निर्णायक 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में लंबी दूरी की दौड़ों में धावकों को कम ऑक्सीजन के कारण परेशानी की सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, वह था 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक मैक्सिको, क्योंकि दोस्तों यह हाई एल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन की अधिक ऊंचाई पर कमी हो जाती है, जिसके चलते वहां पे धावकों को कम ऑक्सीजन के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। कहां, कब, 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरुष धावक को 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में डोपिंग में प्रतिबंधित किया गया था। तो दोस्तों, 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में बेन जॉनसन अमेरिका के थे, इनको डोपिंग में प्रतिबंधित किया गया था।
दोस्तों डोपिंग के बारे में जानना चाहते हैं पूरी डिटेल में, डोपिंग क्या है और किस किस पदार्थ का किस किस में उपयोग होता है, एंड दोस्तों किस किस को अभी तक में डोपिंग में प्रतिबंधित किया गया है, इन सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डोपिंग से रिलेटेड वीडियो सारी चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि कितने दिन की थी? तो दोस्तों प्राचीन कालीन ओलंपिक 5 दिन की हुआ करता था, ठीक है। अब आधुनिक कालीन ओलंपिक कितने दिन की हुआ करती है? 16 दिन की, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक, भारत ने कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, भारत ने अभी तक में कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत में ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक की बात करें तो अभी तक में यह कुल 8 हॉकी स्वर्ण पदक जीता है। कितना जीता है? 8 हॉकी स्वर्ण पदक, ठीक, कुल 8 स्वर्ण पदक एंड 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, यानी कुल हॉकी में भारत ने 12 पदक जीते हैं जिसमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता है? तो दोस्तों भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक 1980 मास्को रूस में जीता है। 1928 में दोस्तों एमस्टर्डम हॉलैंड में भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम भाग लिया ओलंपिक में, और पहले ही भाग लिया और पहले ही में वह स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तब से लगातार 1980 मास्को रूस ओलंपिक तक वह स्वर्ण पदक जीतता गया जीतता गया। बस बीच में 1960 में रोम ओलंपिक वह रजत पदक प्राप्त किया है। उसके अलावा सभी में 1928 से लेकर 80 तक लगातार स्वर्ण पदक प्राप्त किया, ठीक है। तो पहली बार 1928 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और अंतिम बार 1980 मास्को रूस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, एंड 1960 में रजत पदक, एंड 1968, 1972, 2020 जो हाल ही में हुआ है उसमें कांस्य पदक, यानी कुल 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ओलंपिक मशाल को एथेन से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार किया? यानी जो ओलंपिक मशाल है उसको एथेंस यानी यूनान एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया दोस्तों प्रथम बार? एडॉल्फ हिटलर ने। किसने प्रारंभ किया? एडॉल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट है कि प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक को क्या कहते थे दोस्तों? तो उसको टैक्सोटोच कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेट कप्तान ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक विजेता था? तो कौन था वो? डकलस, 1908 लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट है भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में पहली बार कब भाग लिया था दोस्तों? तो 1948 लंदन ओलंपिक में पहली बार भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में भाग लिया था, ठीक है। तो 1948, 1952, 1956, 1960 चार बार भाग लिया, और 1956 में यह चौथा स्थान प्राप्त किया था और 1960 में कोई स्थान नहीं प्राप्त किया था। तब से लेकर आज तक उसके बाद फिर फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल ओलंपिक में अपना स्थान नहीं बना पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार ओलंपिक ज्योति मशाल द्वारा कब प्रज्वलित की गई? तो पहली बार ओलंपिक ज्योति मशाल द्वारा 1936 बर्लिन ओलंपिक में प्रारंभ की गई। जैसे कि दोस्तों इसके संबंध में उस ओलंपिक मशाल क्या है कि खेलों के प्रारंभ करने का यह प्रतीक है। खेलों के प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया गांव के जियस के मंदिर से लाई जाती है। वहां इसे सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता था, और सबसे पहले यह 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक हॉलैंड में ज्वाला स्टेडियम के मुख्य द्वार पर जलाया गया था। और दोस्तों प्रथम बार आधिकारिक तौर पर जलाया गया 1936 बर्लिन ओलंपिक में, जो ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत हुई, और कार्ल डाइम ने मशाल दौड़ का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। एंड दोस्तों अब यह पूछा जाता है कि
कि किस ओलंपिक में ओलंपिक मशाल एक महिला द्वारा जलाया गया? तो 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक मशाल द्वारा महिला द्वारा जलाया गया। वह महिला थी नेमी एनरिक्वेटा बासिलो सोटेलो, जो मेक्सिको की महिला थी। उन्होंने मशाल से ज्वाला प्रज्वलित की सबसे पहले। तो किस महिला ने सबसे पहले मशाल से ज्वाला प्रज्वलित की? तो नेमी एनरिक्वेटा बासिलो सोटेलो, महिला मेक्सिको की खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक मोटो CTS का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ओलंपिक मोटो CTS का अर्थ है सबसे तेज। जैसे कि दोस्तों ओलंपिक मोटो है CTS, Altius, Fortius, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। CTS सबसे तेज, Altius सबसे ऊंचा, Fortius सबसे बलशाली। तो यहाँ पे पूछा है ओलंपिक मोटो CTS का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सबसे तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक मोटो Altius का क्या अर्थ है? तो ओलंपिक मोटो Altius का अर्थ है सबसे ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक मोटो Fortius का क्या अर्थ है? तो Fortius का अर्थ है सबसे बलशाली। यानी कि दोस्तों ओलंपिक मोटो जो आदर्श वाक्य है वह है CTS, Altius, Fortius, यानी इसको फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, ठीक है। CTS यानी सबसे तेज, Altius यानी सबसे ऊंचा, Fortius यानी सबसे बलशाली। एंड दोस्तों इसमें एक और शब्द जुड़ गया है टुगेदर, यानी साथ में। यानी अब ओलंपिक मोटो चार हो गए हैं, CTS, Altius, Fortius और टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1968 मेक्सिको ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों 1968 मेक्सिको ओलंपिक में ही शुभंकर की शुरुआत हुई है, और 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक का शुभंकर था पालोमा कबूतर, ठीक है, पालोमा कबूतर। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनिक ओलंपिक का, यानी 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था वाल्दी एक शिकारी कुत्ता, ठीक है, वाल्दी एक शिकारी कुत्ता। एंड दोस्तों जो 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ है COVID-19 के कारण 2021 में, उसका शुभंकर है मिराई तोवा, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दोस्तों इसके पहले जो 2016 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर था विनिसियस। एंड 2012 लंदन का वेनलॉक, ये ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में होगा। आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आते होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही तैयारी के लिए डेली बेसिस बने रहिए मेरे चैनल पे। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।